मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और क्या कर रही हो? मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आपने देख लिया होगा अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, फिर इतनी डांट पड़ी। तो गाइस, अभी आपको मैं दिखाती हूँ सामान, क्योंकि ब्रेकफास्ट कर चुके हैं एंड जो है अब जो है हम लोग बनाएंगे बंदरवाल। तो उसके लिए जो सामान है ये है रेड कलर के फ्लावर्स एंड ये येलो कलर के फ्लावर्स, ये भी लग रहे हैं लेकिन बहुत सारे हैं ये भी। इसके अलावा हमने बेस तैयार कर लिया है, तो ये हमारा बेस है, ये इसी के बेस की हेल्प से तैयार हो गए हमारे। और कुछ नहीं चाहिए, बस सेट फिक्स चाहिए। और वन मोर थिंग, सेट फिक्स चाहिए होगा, ये धागा चाहिए होगा और बड़ी वाली सुई चाहिए होगी। तो इसका मतलब हमें एक बंदरवाल बनाने के लिए, हमें मेन हमारा बेस बंदरवाल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये बेस, सेट फिक्स, बना चुकी हूँ मैं। उसका फोटो और उसकी वीडियो ज़रूर आपको शेयर करूंगी। और अभी जो है मम्मी और मैं मिलके, मतलब मैं बनाती जा रही हूँ स्टेप की मालाएं। तो हमने जिस तरीके से बनाया, जो एक सिस्टमेटिकली वे हमने बनाया है 3, 5, 7 इसका, ये मैं माला बनाती जा रही हूँ और मम्मी फर्दर जो है उसे जो है बंदरवाल में टाँगती जा रही है। ये देखिए, तो अभी तो ये देखो, ये है रूम का हाल हमारे, ये सारे रूम का हाल खाली हुआ है, सब में रेड येल्लो कलर के गेंदे के फूल हैं। और बस इसके बाद मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि फिर लंच रेडी करना है, तभी बस मैं गेंदे की ये वाली बंदरवाल बना लूं। उसके बाद जो है मैं आपको वीडियो जरूर शेयर। फाइनली जो है हमारी बंदरवाल बनकर रेडी हो चुकी है। ये हमारी बंदरवाल है, इसकी जो पूरी वीडियो है फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगी। बना नहीं पाई, हालांकि सोच रही थी लेकिन बना नहीं पाई, ये सिर्फ व्लॉग की वीडियो है। और इसमें कितनी माला, कितने कितने यूज होती है आप देख रहे हो, एक साइड से बड़ी हो रही है, फिर छोटी हो गई, फिर बड़ी हो गई, इस तरीके से है। तो ये जो है मैं आपसे जल्दी शेयर करूंगी, क्योंकि इसमें पूरा रेशो है कि 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरीके से करके है। तो गाइस, मैं बहुत जल्दी आपसे शेयर करूंगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ कि इसमें कोई कमी है क्या, क्योंकि मैं, मुझे ये नहीं पूछना है कि मतलब कैसी बनी है, मुझे ये पूछना है कि इसमें अगर कोई कमी है तो आप मुझे जरूर बताएं। अभी बज रहे हैं 2 एंड गोलू स्कूल से आ चुका है और गोलू कर रहा है इस टाइम लंच, ये देखो। तो गाइस, अभी एक झपकी मैं ले चुकी हूँ, अब गोलू के पापा भी आ चुके हैं। जो देखो तुम्हारे से बाहर कहाँ चला था। तो गाइस, आज सुबह देखो इस पे हाथ दिया था और ये मेरे पे इतनी जोर से चीखे थे। तो गाइस, अभी तो मैं जा रही हूँ किचन में, लोगों की नौटंकी चलती रहेंगी। किचन में जाके प्याज काटती हूँ, क्योंकि छोले कुलचे सिर्फ इन्हीं के लिए हैं और हम लोग खाएंगे दाल चावल। तो चलते गाइस, अभी फिलहाल तो मैं कर रही हूँ लंच, और लंच में है आज मलका चावल विद अचार। रोटी स्किप करती हूँ, तो बस मैं लंच कर लूँ। लंच करने के बाद जो है मैं गोलू को पढ़ाऊँगी, क्योंकि 3 से 4 बजे क्या होता है फ्री रहती हूँ, और यही टाइम है सिर्फ जिसमें मैं गोलू को पढ़ा सकती हूँ। 4 बजे से वापस से मेरे बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो मैं एक बार बस लंच कर लूँ फिर पढ़ाती हूँ। सभी हो रहे हैं 3:25, मम्मी के रूम में बैठी हुई हूँ, और क्योंकि लंच कर लिया है, लंच करके जस्ट थोड़ी देर पहले लंच ही करा था, और अभी 3:25 हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा ये था, उनके कमरे में यही होता है, यहाँ पे इतना एक साथ हम लोग लेट लेते हैं, बैठ लेते हैं। और जो है अभी बस गोलू को पढ़ा रही थी मैं। गोलू का साइंस एंड कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, और सबसे कम प्रिपरेशन जो हुई थी वो कंप्यूटर में और साइंस में ही हुई थी, बट थैंक गॉड कि कल संडे है। तो अभी मैं गोलू को पढ़ा दूँ, और मेरा मन, हालांकि नींद आ रही है मुझे, क्योंकि खाना खाया और सुबह से बिल्कुल बैठना नहीं मिला। आप लोगों ने देखा था कि सुबह उठ के, मतलब ये था सुबह 6:30 बजे उठ के, सुबह इसका फटाफट से लंच वगैरह सब कुछ रेडी किया, ब्रेकफास्ट, देन हम लोग बंदरवाल लेकर बैठ गए, और फिर बहुत से भी बंदरवाल से भी मैं 7:15 बजे उठी, मतलब फिर उसके बाद मैं लंच प्रिपेयर कर, आपसे थोड़ी देर आँख लग गई मेरी, 5 पर मुश्किल से सो पाई। उस टाइम बहुत तेज़ नींद, बहुत तेज़ वाली नींद आ रही है मेरे को, और बस 3:30 बज रहे हैं, 4 बजे से वापस से मेरे बैच चालू हो जाएंगे, तो 7 बजे तक मैं बिल्कुल बिल्कुल बिजी। और गोलू देखो,
तो गाइस एक चीज़ और, हमारे घर में पता नहीं कहाँ से इतने मच्छर आ गए, समझ नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आता। घर में मॉस्किटो नेट भी है जो हम लोग डोर पे लगाए रहते हैं हर समय, उसके बावजूद रैकेट भी, ऑल आउट भी, फिनाइल भी, सब चीज़ कर दूँ, उसके बाद पता नहीं कहाँ से मच्छर आता है, यूँ करके कहाँ भाग जाते समझ ही नहीं आता है। अभी भी गोलू को देखो, गोलू के तो देखना, गोलू के तो ये देखो आप लोग, दिख शायद उसमें दिख नहीं रहा, वाले में नहीं है, दूसरा है वो। ये देखो गोलू के तो काट काट के ये देखो, ये दाने, इतने दाने कर दिए, ऐसा लग रहा है कि गोलू के कुछ हो गया यहाँ पे। एक साथ छत्ता बना हुआ है कम से कम 7-8 दानों का, इतने दाने कर दिए। और गोलू भी क्या, गोलू ऐसे सोता है, रात को सोता है, गोलू ऐसे हाथ हाथ कर देते सोता है, तो ऑटोमेटिकली काटेंगे मच्छर। तो फिलहाल तो मैं बस पढ़ा लूँ, फिर मेरा बैच। ऐसे भी बज रहे हैं 7-7 बजने वाले हैं, एंड अब मैं जो हूँ बैच लगा रही हूँ डांस का। और इन बच्चों की सब आज टॉप, सब अपने अपने टॉप कहाँ है तुम लोगों की? हमने रील्स के लिए, स्पेशली रील्स के लिए हम लोगों ने टॉप ऑर्डर कर रखी है, तो आज हमारे पास 10 टॉप हमने ऑर्डर करी थी, एंड 10 की 10 टॉप आ चुकी हैं सारे बच्चों के रील्स के लिए। तो गाइस ये सारी टॉप हमारी रील में देखोगे, रील की प्रैक्टिस हो चुकी है हम लोगों की, और रील के कुछ जो मोमेंट्स हम लोगों ने कैप्चर करे हैं, हंसी वाले, मजाक वाले, वो सब हो चुके हैं शेयर, वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। बिहाइंड मैं भी दुकान से आ चुका हूँ, और मैं भी अपने डांस क्लास ऑफ करके आ चुकी हूँ, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि 4 से 7 लगातार मैंने क्लासेस ली थी, और अब बिल्कुल थकान, थक के मतलब थकान के मारे बुरा हाल है, एंड अब मैं बैठ के करूँगी कुछ क्राफ्ट पेपर। और गाइस मैं आज से ना, मम्मी ने कहा था कि क्राफ्ट पेपर ले आना अगर दुकान जा रहे तो मैं क्राफ्ट पेपर तो ला नहीं पाया, बट मम्मी के लिए चॉकलेट जरूर लाया। कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मेरे को, डेरी मिल्क है। फिलहाल तो मैं डिनर कर चुकी हूँ, गोलू भी डिनर कर चुका है, एंड गोलू के पापा जो है आज क्लब की इंस्टॉलेशन मीटिंग है तो वहाँ पे गए, और बस थोड़ा सा जल्दी आ ही जाएंगे क्योंकि गोलू का एग्ज़ाम है एंड गोलू को पढ़ाना है। और ये देखो गोलू पढ़ रहा है, गोलू का साइंस का एंड कंप्यूटर का दोनों का एग्ज़ाम एक साथ है, और बाई चांस दोनों ही सब्जेक्ट्स गोलू को आज फर्स्ट टाइम कम याद हैं। हुआ ये था कि हमने ये सोचा था कि हम जैसे लास्ट में एग्ज़ाम है तो थोड़ा थोड़ा हम बीच में लेते रहेंगे, लेकिन ना एग्ज़ाम इस तरीके से पड़े कि हम थोड़ा सा बिल्कुल ले ही नहीं पाए, तो आज साइंस ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, रिवाइज भी हो गई है, बट कंप्यूटर अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। हालांकि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन बस ये है पहले से याद रहती है चीज़ें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो गाइस अभी पहले मैं सोच रही हूँ अच्छे से गोलू को पढ़ा दूँ, आज सोच रही क्राफ्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, लेकिन हो ही नहीं पाएगा, तो पहले मैं गोलू को पढ़ा दूँ। फिलहाल तो मैं गोलू को पढ़ा चुकी हूँ, और गोलू भी अब क्या कर रहा है, गोलू देखो, गोलू जो है मॉस्किटो रैकेट से जो है मच्छर मार रहा है, और जो है मैं बस बैठ गई। और फिलहाल हम लोग देख रहे हैं शमशेरा मूवी, हालांकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी मुझे स्टार्टिंग ही देखी है, और इन लोगों ने ज़्यादा देखी, मैं तो होता क्या है ये लोग मूवी देखते हैं और मैं ब्लॉग एडिट कर रही होती हूँ, तो मुझे उतनी मूवी समझ में आती नहीं है, लेकिन हाँ सुनने में आ रहा है कि मतलब ये वाली बोल रहे थे कि बहुत अच्छी मूवी है, तो मैंने इतना नहीं देखा, मैं सिर्फ ब्लॉग एडिट करती हूँ, थोड़ी बहुत झलकियाँ देखती रहती हूँ मैं। और अभी फिलहाल जो है गोलू, कितने मच्छर मारे तुमने? एक ही बड़ा गोलू ने, मेरे ख्याल से मेरे जब से ये मॉस्किटो रैकेट आया है गोलू ने पहली बार छुआ होगा, गोलू को इतना डर लगता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, करंट लगता है तो उसकी वजह से मच्छर मर जाता है, उसमें चट 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 की आवाज़ आती है, तो गोलू को इतना डर लगता है इस रैकेट से, बेहद डर लगता है। और गोलू ने पहली बार हिम्मत दिखाई, उसको मच्छर ऐसे कान पर हाथ रख लिया और एक हाथ से मच्छर मारता है। गोलू कैसे मच्छर मार रहे थे? ऐसे करके गोलू मच्छर मार रहे थे। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, टिल देन टेक केयर, डू शेयर, डू लाइक, अगर आप चैनल नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। अरे रुक जा जा। तो गाइस कल सुबह आज व्लॉग इसलिए भी जल्दी एंड कर रही हूँ क्योंकि ना कल सुबह 9 बजे से मेरे बैचेस हैं, फिर मुझे गोलू को भी पढ़ाना है, और फिर कलकत्ता के भरतनाट्यम के सारी चीज़ों के बैचेस हैं, इस वजह से मैं इसलिए आज व्लॉग जल्दी एडिट कर रही हूँ, और मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं लेट पाई, बिल्कुल भी नहीं लेट पाई, एक पल को भी नहीं लेट पाई मैं, तो इसलिए टिल देन टेक केयर, डू मोर शेयर, डू लाइक, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वाचिंग।